इस टाइप का यहाँ पे पंडाल है सेक्टर 7 का, और बहुत ही शानदार है। मतलब ना जितने भी पंडाल एक्सप्लोर किया हूँ ना, उसमें से मेरे को सबसे ज्यादा बड़ा ये वाला पंडाल लग रहा है। और यहाँ पे दर्शन करने के लिए कोई टिकट नहीं है, जिस तरीके से बाकी जगह रखा गया है ना, यहाँ पे टिकट नहीं रखा गया है, ये सबसे अच्छा लग रहा है। प्लस यहाँ पे जो इनका इंटीरियर है ना, वो देखने लायक बनता है, देख सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सोनी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीपक सोनी ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में मैं आपके लिए आज क्या नया लेके आया हूँ, तो आज नया ये रहेगा सेक्टर 7 का गणेश पंडाल। और यहाँ पे ना अच्छा लग रहा है मेरे को, पंडाल जो है ना बहुत बड़ा बनाया गया है। बाकी मूर्ति कैसा है वो देखना है यहाँ पे भगवान की। और बाकी बहुत सारा यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, और उसके साथ में आप लोगों को यहाँ पे झूले वूले का भी फैसिलिटी है। और यहाँ पे ना अंदर आने का कोई टिकट नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। बस पार्किंग में आप लोगों को 10 रुपये देना है, और आप लोग भी आ सकते हो दर्शन के लिए। बाकी सब चीज़ मैं अंदर चल के दिखाता हूँ, तो चलिए अंदर चलते। तो देख लो, ये कुछ इस टाइप का यहाँ पे पंडाल है सेक्टर 7 का, और बहुत ही शानदार है। मतलब ना जितने भी पंडाल एक्सप्लोर किया हूँ ना, उसमें से मेरे को सबसे ज़्यादा बड़ा ये वाला पंडाल लग रहा है। और बताया जा रहा है कि केदारनाथ मंदिर टाइप का बनाया गया है इसको, पर मेरे को परफेक्शन उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है इसमें, कुछ और ही है ये, जो कि आपको लग रहा है केदारनाथ मंदिर जैसे। और इनका एंट्रेंस भी बहुत अच्छा है, और अंदर जो इंटीरियर है ना, वो सबसे मज़ेदार है सेक्टर में ना। यही मेरे को अच्छा लगा कि जो यहाँ पे गणेश पंडाल जो बना हुआ है ना सारा का सारा, वो अपना इंटीरियर में अच्छा वर्क रखते हैं। और प्लस यहाँ पे स्टॉल की भी सुविधा है, बहुत सारे स्टॉल आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, स्ट्रीट फूड वगैरह का हो जाता है, और वहाँ पे अपना जो भी आप लोगों को मेला आइटम शॉपिंग करना है उसका हो जाता है। और यहाँ पे जो सीधा आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोगों को झूलना का फैसिलिटी मिल जाएगा, जिसमें आप लोग झूलना इंजॉय कर सकते हैं। और सब चीज़ चल के दिखाऊंगा आप लोगों को, पहले दर्शन कर लेते हैं भगवान का। और पंडाल आप लोग देख सकते हैं, पीछे हट के दिखा देता हूँ, तो इस टाइप का बनाया गया है, और सबसे ज़्यादा हाइट का मेरे को लग रहा है ये पंडाल पूरे सेक्टर एरिया में। चलिए अंदर चलते और देखते कि भगवान की जो मूर्ति है वो कैसी है। और पानी भी गिर रहा है आज, तो मौसम बहुत अच्छा बन चुका है, क्योंकि बहुत दिन से उमस हो रहा था ना। और यहाँ पे दर्शन करने के लिए कोई टिकट नहीं है, जिस तरीके से बाकी जगह रखा गया है ना, यहाँ पे टिकट नहीं रखा गया है, ये सबसे अच्छा लग रहा है। और इस टाइप का आप लोगों का स्वागत होगा यहाँ पे हाथियों के द्वारा, और मेरे ख्याल से ये इरावत हाथी लग रहा है मेरे को, वो सफ़ेद होता है, यहाँ पे ब्लैक में रखा हुआ है, बनाने बनाने में फ़र्क हो जाता है। पंडाल का डेकोरेशन ही बहुत बढ़िया लग रहा है, और अंदर चल के देखते हैं कि अंदर में किस टाइप का अपने को मिलता है। तो इस टाइप का आप लोगों को एंट्रेंस मिलेगा यहाँ पे। और जो मूर्ति जो बनाया गया है ना भगवान का, वो थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल मूर्ति टाइप में लग रहा है, और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भीड़ के लिए व्यवस्था किया गया है, प्लस यहाँ पे जो इनका इंटीरियर है ना, वो देखने लायक बनता है, देख सकते हो इंटीरियर बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है मेरे को। और भीड़ के लिए अच्छा अरेंजमेंट है, और जो समिति मेंबर है वो अपना जैसे बैठाना है किसी को तो बैठा भी सकते हैं। और पंडाल जो मेरे को इनका इंटीरियर देख के ही दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। और शायद ना ये जो मूर्ति बनाया गया है ना, मेरे को लग रहा है कि जो छत्तीसगढ़ में कहीं है हिस्टोरिकल प्लेस, उसका ही मूर्ति यहाँ पर रखा गया है। अब मैं ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं किया हूँ, तो मुझे नोन नहीं है, तो आप लोग देख के बताओ कमेंट करके कि कौन सा मूर्ति है ये, जो जी छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी है एक जगह। लाइन लगना शुरू हो गया अभी से। बाकी डेकोरेशन मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है पंडाल का। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो मूर्ति बहुत ही शानदार लग रहा है मेरे को, प्लस इंटीरियर भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे जो एरिया जो इस्तेमाल किया गया है ना सेक्टर 7 में गणेश पंडाल के लिए, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में है, जिसमें फूड स्टॉल और बाकी चीज़ भी मिल जाता है आप लोगों को। साथ में यहाँ पे अपना झूलना उलने का इसके बाद आप लोगों को दिख जाएगा, तो वो भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सा यहाँ पे झूलना अपने को मिल रहा है। तो इस टाइप का आप लोग देख सकते हैं सामने से, और मेरे को कमेंट करके बताओ अगर ऐसा कुछ है छत्तीसगढ़ में। तो मेरे ध्यान में आ रहा है, पर मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। बाकी पंडाल आप लोगों ने देखा, तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना, ये बस्तर एरिया में ही कहीं है इस टाइप का मूर्ति। अब मेरे को नोन नहीं था, तो नाम मैं अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ, और अगर आप लोगों को नोन होगा बस्तर में तो बताना मेरे को कमेंट करके। अब चलते झूलने की तरफ, और झूलना देखते हैं यहाँ का, फिर हम बाहर निकलते साथ आप लोगों को यहाँ पे सारा झूलना दिख जाएगा। और यहाँ पे जो है ना एकदम अलग हटके दिख रहा है, यहाँ पे जितने भी झूलना है ना, ये बच्चों के लिए हो गया, और बच्चों के लिए यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी रखा गया है झूलने के लिए।
ट्रेन वाला जो हर जगह मिला आप लोगों को, प्लस ये भी है ब्रेक डांस टोरा टोरा, ये सबसे एंटिक लगता है मेरे को, क्योंकि ये जो है ना ऐसा ऐसा मूवमेंट करता है, क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों मूवमेंट कर लेता है ये, तो ये भी अच्छा है देखने लायक। फिर ये ब्रेक डांस तो ऑफिशियल हो गया, जब जो सब जगह है आप लोगों को ब्रेक डांस हर जगह मिल जाएगा। तो ओवरऑल देख सकते हो बहुत अच्छा रखा गया है, यहाँ पे लाइटिंग भी जो है ना अच्छा लग रहा है, और ये जो सबसे अच्छा है बच्चे लोगों के लिए, वो आते हैं तो किसी को जीप में बैठना है, किसी को बाइक में बैठना है, हायाबूसा भी दे दिया गया है आप लोगों को। उसके बाद ये हो गया अपना टाइटैनिक जो बोला था मैं, अप एंड डाउन होते रहता है, ये झूलना था मेरे को, ये ट्राई करना था, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। और ये स्विमिंग पूल भी बनाया गया क्या यहाँ पे? क्या टिकट है इसका? 50 rupees। इसमें क्या क्या करना है अपने? बोटिंग बस करेंगे बच्चे लोग, तो ये भी अच्छा है। वाटर पार्क भी दे दिया गया है आप लोगों को 50 rupees में, आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, वही 5 minutes देंगे 50 rupees में। बाकी यहाँ पे ट्रेन भी है जिसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी वहाँ पे स्टॉल देख लिया आप लोगों ने, झूलने में यहाँ पे कैटेगरी बहुत है। कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सेक्टर 7 जो पंडाल है ना, यहाँ पे झूलने का फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग अगर झूलने के शौकीन हो तो मस्ट विजिट करना सेक्टर 7 पंडाल और ट्राई करना। और यहाँ पे जो झूलने का जो जितना भी वेरिएंट है ना, मैं देखा कि अच्छे तरीके से रखा गया है मेंटेन करके, बाकी जगह का जो जंग लगा वाला आइटम है, पर यहाँ पे जो मेंटेन किया हुआ है ना पेंट वेंट अच्छे से, और लाइटिंग भी इतना अच्छे तरीके से किया गया है, मैंने ये सेफ है बोल सकते हो आप लोग। तो आप लोग देख सकते हो सेक्टर 7 जो पंडाल है ना, यहाँ पे स्ट्रीट फूड में भी सारा चीज स्टॉल लगा हुआ है आप लोगों के लिए, पॉपकॉर्न से लेके मथुरावासी चाट सेंटर, एक एक करके स्टॉल दिखा रहा हूँ। यहाँ पॉपकॉर्न का हो जाता है, यहाँ आप लोगों का मथुरावासी चाट सेंटर का हो जाता है, इसके बाद अपने बॉम्बे जो चौपाटी लगा हुआ है ना वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, प्लस भेल गुपचुप सारा कैटेगरी है, प्लस दिल्ली के छोले भटूरे स्पेशल, और यहाँ पे गुजराती नमकीन जो ट्राई करना है वो भी ट्राई कर सकते हो। अचार का भी फैसिलिटी है, जो राजोत्सव में लगा था ना जैसे मेला टाइप में, सारा चीज यहाँ पे वैसे ही रखा गया है। और गुपचुप का वेरिएंट देख सकते हो आप लोग, मथुरावासी चाट सेंटर इस बार यहाँ लगाया हुआ है स्टॉल अपना। उसके बाद में रस पिज्जा, जो पिज्जा के भी ऑप्शन आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, प्लस आइसक्रीम भी है, जैसे अभी उमस का कैटेगरी देखते हुए ना आइसक्रीम भी यहाँ पे दिया जा रहा है आप लोगों को, प्लस यहाँ पे दिल्ली के स्पेशल पनीर वाले छोले भटूरे। और यहाँ से स्टार्ट होता है इनका गेम, जिसमें आप लोग गन फायर करके यहाँ पे खेल सकते हो कुछ अमाउंट दे के। देखो ये निशाना लगा रहे हैं वहाँ पे घूमते हुए में, ये नया देखा मैं, बाकी ये वाला तो नॉर्मल चलता ही है। और ये निशाना जो लगा रहे हैं ना, ये रोटेट होते जा रहा है, तो उसमें निशाना लगाना है आप लोगों को। और उसके बाद में ये भी गेम्स है, जो बॉल फेंक के गिलास गिराना है ना, और भी कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है देख सकते हो, जिसमें यहाँ पे रिंग फेंकना है, रिंग वाला भी गेम चलता है यहाँ पे, 50 rupees में आप लोगों को 6 rings मिल जाता है, जिसमें आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये रिंग को उस बॉक्स में डालना है ना। और भी कैटेगरी जैसे यहाँ पे देख लो, ये जो है ना ये वाला गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप में है, जैसे बॉल आप लोग जितने कैटेगरी में फेंकोगे ना यहाँ से, तो उस जितने भी होल में जाएगा उसमें नंबर लिखा हुआ है, उसमें प्लस किया जाएगा, और जो भी नंबर आएगा अपना, अगर वो इस कैटेगरी में आता है जैसे उसमें लिखा हुआ है 7, 32, तो उस कैटेगरी में आता है ना, तो आप लोगों को जो गिफ्ट है वो दे दिया जाएगा। क्या प्राइस है जैसे खेलना है जिसको? 30 rupees ना, मेले में लगता है ना ये। उसके साथ में यहाँ पे मोमोज का भी कैटेगरी अवेलेबल है, और गुपचुप चाट ने सारा कुछ मिल जाता है, चौपाटी इस बार यहीं आ गया है बिलाई का आप लोग देख पा रहे हैं तो। और मोमोज का एक और है देखो, क्या नाम से भी अभी अपना मोमो स्टॉल, चाइनीज मोमोज प्योर वेज ना। बाकी गेम फिर से रिपीट हो रहा है गन वाला, और यहाँ पे बहुत सारा और भी मेला वाला कैटेगरी आप लोगों को मिल जाएगा, जैसे कुछ भी सामान लेना है ना, सेक्टर 7 में ज़्यादा ही बड़े पैमाने पे किया जा रहा है ये चीज़। और भी चीज़ें देख लो, आयुर्वेदिक राजस्थान की टेस्टी चूरन गोली, तो चूरन गोली का भी आइटम है। बाकी ये सब जो आता है अपना डिज़ाइन वाला वुडन का, मोबाइल कवर के भी शॉप लगे हुए हैं, तो बढ़िया है यहाँ पे जितना भी मैं देख रहा हूँ ना, स्टॉल अच्छे अच्छे मिल जाते हैं आप लोगों को, कपड़ा वपड़ा के लिए भी मार्केटिंग, जी मां से ना जाके यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हो। अभी तो तीसरा ही दिन है, 9 दिन अभी खुले रहेगा ये शॉप। तो ओवरऑल यही सब दिखाना था सेक्टर 7 पंडाल में। तो आज का वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना, इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना कि आप लोगों में से कौन कौन आया है और यहाँ पे विजिट कर चुका है।